ताकतवर है, उनमें से किसी एक के अंदर वो ताकत समा चुकी है। मैं उसका इस्तेमाल करके उस ताकत को काबू करूंगी। वो उसे पकड़कर उसे मार देंगे। तो दोस्तों, एक तरफ किंग खान अपनी मूवी को लेकर सुर्खियों में है, तो दूसरी तरफ अब बहुत ही बड़ी खबर है कि शाहरुख खान क्रिश 4 में एंट्री मारने की प्लानिंग में है। जी हाँ, बॉलीवुड डायरेक्टर राकेश रोशन के साथ कई दिनों से शाहरुख खान फैंस SRK को मास एक्शन करते देखना चाहते हैं और फैंस की यह तमन्ना भी पूरी होने वाली है। जी हाँ, शाहरुख खान एक बहुत बड़े सुपरस्टार है जिनके साथ हर कोई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर काम करना चाहता है। वही अब किंग खान की एक नई मूवी को लेकर जानकारी सामने आ रही है। इनसाइड खबर के अनुसार बॉलीवुड डायरेक्टर राकेश रोशन क्रिश 4 पर काम कर रहे हैं और अब खबरें है कि राकेश रोशन लगभग क्रिश 4 की स्क्रिप्ट पूरी कर चुके हैं और बताया जा रहा है कि डायरेक्टर इस फिल्म के विलन के रोल के लिए बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार को लेना चाहते हैं, जिसके लिए सबसे पहला नाम किंग खान शाहरुख खान का है। वही कई लोग सलमान खान और अक्षय कुमार का नाम ले रहे हैं। अब ऐसे में किंग खान क्रिश 4 में अगर दिखते हैं तो ये बहुत बड़ी मूवी हो सकती है, लेकिन अभी इस फिल्म के लिए टाइम है। जी हाँ, पिछली रिपोर्ट्स बताती है कि मेकर्स ने इस साल बेसिक प्लान को लॉक करने और अगले साल 2025 में शूटिंग करने के लिए स्टेज तैयार करने की योजना बनाई। पिंक विलास से बातचीत के दौरान ऋतिक रोशन और राकेश रोशन ने क्रिश 4 के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने कहा, मैं क्रिश 4 तब तक नहीं बनाऊंगा जब तक मैं अंदर से संतुष्ट नहीं हो जाता। हमने स्क्रिप्ट तैयार कर ली है, लेकिन हम उसमें सुधार कर सकते हैं। मुझे अब भी लगता है इसमें सुधार की गुंजाइश है। हम हॉलीवुड जितने ऊंचे बजट की फिल्में नहीं बना सकते और इसीलिए सुपर हीरो की इस दुनिया में हमारा कंटेंट मजबूत और नया होना चाहिए। हमारे पास एक बेहतरीन कहानी है। वैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है क्रिश 4 में शाहरुख खान के रोल को लेकर, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी शाहरुख खान के डायहार्ट फैन है तो ऐसे ही शाहरुख खान की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।